हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय हेल्थ टिप्स चैनल। अगर आप चेहरे पर हीरे जैसी चमक के लिए इस तरह घर पर ही करेंगे डायमंड फेशियल तो बहुत अच्छा ग्लो देखने को मिलेगा। आखिर कौन नहीं चाहेगा कि उसकी त्वचा हीरे की तरह चमके। खास तौर पर महिलाओं को तो इस बात का बड़ा ही क्रेज होता है कि वह सुंदर दिखे और उनकी त्वचा हीरे की तरह क्लियर दिखे। बाजार में आपको कई अच्छे ब्रांड की डायमंड फेशियल किट मिल जाएगी, लेकिन डायमंड फेशियल तभी आपके चेहरे पर चमक लाएगा जब आप सही स्टेप को अपनाकर फेशियल करेंगे। कोई भी फेशियल करने से पहले आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि उस किट में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप डायमंड फेशियल कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने हाथों को सैनिटाइजर कर लें। इसके बाद आपको चेहरे की ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग के लिए आप गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कॉटन में गुलाब जल लेकर चेहरे पर हल्के हाथों से लगाएं। इसके बाद अपने चेहरे पर डायमंड फेशियल किट में मौजूद क्लींसर लगाएं। इसे लगाते वक्त हाथों के लाइट प्रेशर से चेहरे की मसाज करें। क्लींसर का इस्तेमाल करने के बाद आपको चेहरे पर स्क्रब लगाना है। स्क्रब लगाने के लिए हाथों में प्रोडक्ट के साथ थोड़ा गुलाब जल भी लें। इसे गर्दन से लगाना शुरू करें और यों को घुमाते हुए गर्दन से गले और फिर फोरहैंड तक आए। ऐसा करने के बाद आपको चेहरे की हल्के हाथों से मसाज करनी है। स्क्रब का यूज़ करने के बाद आपको मसाज जेल का यूज़ करना है। इस जेल का इस्तेमाल करते हुए आपको गर्दन और चेहरे की 15 मिनट तक मसाज करनी है। मसाज करने के बाद अगर आप स्टीम लेते हैं तो यह और भी अच्छा होगा। इससे आपके स्किन पोर्स खुल जाएंगे और त्वचा की गहराई से छुपी सारी गंदगी बाहर आ जाएगी। मगर ध्यान रखें कि 5 मिनट ही भाप लें। ज़्यादा देर भाप लेने से आपके चेहरे पर रैशेज भी आ सकती है। मसाज जेल के बाद चेहरे की मसाज क्रीम से मसाज करें। ऐसा करते वक्त आप हाथों का प्रेशर बढ़ा सकते हैं। 15 मिनट तक आपको चेहरे और गर्दन की मसाज करनी है। ध्यान रखें कि यह मसाज क्रीम आपकी आंखों में ना जाए, वरना आपको जलन हो सकती है। यदि ऐसा हो तो गुलाब जल की कॉटन आंखों के ऊपर रख लें। मसाज करने के बाद चेहरे पर डायमंड फेस पैक लगाएं। फेस पैक लगाने के 15 मिनट तक उसे चेहरे पर लगा रहे। आपको चेहरे को पानी से साफ कर लेना है। पानी से चेहरे को साफ करने के बाद आपको एक बार फिर से चेहरे पर क्लींसर लगाना है। इसके साथ ही आपकी डायमंड फेशियल करने के स्टेप भी ख़त्म हो जाते हैं। फेशियल के बाद आपको अपने चेहरे पर 24 घंटे तक ना तो साबुन, ना फेस वॉश या पानी का इस्तेमाल करना है और ना ही आपको किसी भी तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का यूज़ करना है। डायमंड फेशियल करने के तुरंत बाद मेकअप बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपकी त्वचा पर मुहासे हो सकते हैं। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।